हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो क्लास हाई क्लास 4। सो हमने वर्ब्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम क्या करने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम हमारा एडवर्ब पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसे आपको रीड करना है। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट, आई क्विकली बोर्डेड अ टैक्सी, सून आई रीच्ड द कैंपसिट ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑन द टाउन। ओके, देन उसके बाद क्या सेंटेंस है, आई हरीडली वॉक्ड अप द हिल, देयर वेयर सो मेनी कलरफुल टेंट्स पिच्ड एवरीवेयर, आई हैड रीच्ड लेट, आई सॉ द रजिस्ट्रेशन डेस्क अहेड, द कैंप मैनेजर pushed a paper towards me and said, please sign here, tomorrow we will begin the activities. So you have to focus on the words which are in bold. Okay, kaun se words ko aapko focus karna hai, quickly, soon, hurriedly, everywhere, ahead, late, tomorrow, here. Okay, सो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स जो बोल्ड है ये है हमारे एडवर्ब्स। ओके, सो एडवर्ब्स का मीनिंग क्या होता है, एडवर्ब्स आर वर्ड्स विच डिस्क्राइब द मैनर प्लेस एंड टाइम ऑफ एन एक्शन। जो एडवर्ब होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसका मैनर या फिर प्लेस या फिर टाइम ऑफ एक्शन हमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैसे बोर्ड किया मैंने, क्विकली बोर्ड किया। ओके, सो क्विकली एडवर्ब है। उसके बाद में जल्द ही, सून क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद में हरीडली, बहुत ही गड़बड़ से, सो हरीडली क्या है, एडवर्ब है। एवरीवेयर, हर जगह, यस एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद में लेट हो जाना एडवर्ब है। अहेड, सामने, अहेड भी एडवर्ब है। उसके बाद में हेयर, यहाँ पे, हेयर भी एडवर्ब है। टुमोरो भी एडवर्ब है, क्योंकि ये सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये कुछ प्लेस, कुछ मैनर, कुछ टाइम, जो हम एक्शन कर रहे हैं उसका मैनर, उसका प्लेस, उसका टाइम यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, सो फॉर एग्जांपल, आई क्विकली बोर्डेड द टैक्सी, तो मैंने किस तरीके से टैक्सी को बोर्ड किया है, क्विकली बोर्ड किया है। सो क्विकली क्या है, एडवर्ब है। हाउ डिड आई बोर्डेड द टैक्सी, हाउ डिड आई बोर्ड द टैक्सी, क्विकली, सो क्विकली इज एडवर्ब। देन सून आई रीच द कैंपसाइट, ओके सॉरी कैंपसाइट, सो व्हेन डिड आई रीच द कैंपसाइट, मैं कब पहुंचा कैंपसाइट पर, यस सून, जल्दी पहुंचा, सो सून एडवर्ब है। देन आई सॉ द रजिस्ट्रेशन डेस्क, यस डेस्क अहेड, मैंने मेरे सामने रजिस्ट्रेशन डेस्क देखा, तो मैंने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क देखा, वेयर डिड आई सी द रजिस्ट्रेशन डेस्क, अहेड, सो अहेड क्या है डियर स्टूडेंट्स, अहेड है हमारा एडवर्ब। ओके, सो एग्जैक्टली एडवर्ब मीन्स क्या होता है, एडवर्ब मीन्स जो हम एक्शन कर रहे हैं तो उसका मैनर कैसा है, उसका प्लेस कैसा है, उसका टाइम कौन सा है, ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है एडवर्ब। ओके, सो एडवर्ब के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। सो जैसे कि अभी मैंने कहा आपको, मैनर, प्लेस और टाइम डिस्क्राइब करते हैं जो हमने एक्शन की है, तो एक्शन हमने कौन से मैनर में की है, कौन से प्लेस में की है या फिर किस टाइम पे की है, वो डिस्क्राइब करते हैं एडवर्ब्स। सो फर्स्ट टाइप हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सो एडवर्ब्स ऑफ मैनर जो हम इसे किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम सेंटेंस में क्वेश्चन पूछेंगे हाउ। ओके, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ क्वेश्चन से पूछेंगे। अगर हाउ क्वेश्चन से अगर हम स्टार्ट करके क्वेश्चन पूछते हैं
और वो एक्शन डन हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे लिखा था आई क्विकली बोर्डेड द टैक्सी, सो मैंने कैसे टैक्सी को बोर्ड किया, यस हाउ आई बोर्ड द टैक्सी, सो हाउ से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन। ओके सो ये क्विकली क्या है, क्विकली यहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन किस तरीके से पूछा, हाउ टाइप में क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर हमें मिला, तो वो जो वर्ड होगा वो हमारा एडवर्ब होगा। ओके फॉर एग्जाम्पल करण राइट्स नीटली, करण राइट्स नीटली, सो हाउ करण राइट्स, यस हाउ राइट्स और राइट्स हाउ, हाउ राइट्स करण, करण राइट्स नीटली। सो नीटली क्या है डियर स्टूडेंट्स, नीटली है हमारा एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ओके देन नेक्स्ट द यंग बॉय स्पोक क्लियरली, सो हाउ यंग बॉय स्पोक और हाउ स्पोक यंग बॉय, कैसे यंग बॉय ने बात की है, कैसे बात की है, यस क्लियरली, सो हमने हाउ टाइप में क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर हमें मिला, तो वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके सो मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड्स इन ly, दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू द एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव्स, जो हमारा एडजेक्टिव जो ly से एंड होता है वो मोस्टली एडवर्ब्स काउंट होता है। ओके सो जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है वो मोस्टली एंड होता है ly वर्ड से, मीन्स हमारे एडजेक्टिव से एंड होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज एंड विथ ly लेटर एंड इट गिव्स द क्वेश्चन अबाउट, आंसर अबाउट हाउ एक्शन टेकन इनटू अकाउंट। ओके सो दिस इज नथिंग बट द एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया, एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमने एक्शन की है वो कैसे की है, हाउ, हाउ क्वेश्चन अगर हम पूछते हैं तो हमें आंसर मिलेगा कि वहाँ पे एडवर्ब कौन सा है। ओके और मोस्टली हमारा जो एडवर्ब होता है वो ly वर्ड से एंड होता है, इसलिए इसे हम पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कौन सा है। ओके सो नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइप इज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम स्लो स्लोली, हैप्पी हैप्पीली, ग्रेसफुल ग्रेसफुली, ईजी ईजीली, यस सो जहाँ पे हमारा नाउन एंड होता है वाई लेटर से तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाई निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं और उसके जगह पे आई लिख के हम बाद में एल वाई ऐड करते हैं। ओके तो ये फॉर्मूला है, हमें पता है कि हमारा जो एल वाई वर्ड होता है हमें कैसे बनाना होता है, तो हमारा एल वाई वर्ड हमें कैसे बनाना होता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हैप्पी, ओके तो यहाँ पे हैप्पी वर्ड जो है यहाँ पे y से एंड हुआ है तो y को निकाल कर हम यहाँ पे i लिख देते हैं, उसके बाद में ly ऐड करते हैं तो हैप्पीली हो जाता है। ओके तो इस तरीके से हम ly वर्ड्स भी बनाते हैं, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके सो इन दिस एडवर्ब ऑफ टाइम इज नथिंग बट इट शोज व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस, कब वो एक्शन हुई थी, व्हेन, व्हेन से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर जो मिलेगा वो होगा हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट लीव नाउ, सो व्हेन वी हैव टू लीव और व्हेन आई मस्ट लीव, सो क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया, नाउ, यस कब लीव करना है, नाउ लीव करना है। हाउ, सॉरी व्हेन क्वेश्चन से जब हम पूछेंगे कोई क्वेश्चन, व्हेन टाइप से हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। सो यू मस्ट लीव नाउ, सो लीव व्हेन, व्हेन लीव, नाउ लीव, सो नाउ इज द एडवर्ब ऑफ टाइम, यस। देन अगेन वी मेट हिम रिसेंटली, सो व्हेन मेट हिम, यस व्हेन मेट हिम,
recently. So recently is what? Recently is adverb of time. Okay. So याद रखना है आपको, adverb of manner हमें how question, how type question पूछेंगे तो answer देगा. Adverb of time हमें हम जब when type of question पूछेंगे तो answer देगा, तो हम उसे identify कर सकते हैं. अब adverb of place कैसे identify करना है? So adverb of place हम कैसे identify करेंगे? हम question पूछेंगे where से. Okay, where type of question जब हम पूछेंगे तो हमें जो answer मिलेगा वो होगा हमारा adverb of place. Okay, for example the boys are playing outside. Okay, so where the boys are playing, वो कहाँ पे खेल रहे हैं? So answer हमें मिल गया outside. Yes, outside. तो outside क्या है? Adverb of place. Yes, then the soldiers marched forward. So where soldiers marched. Okay, तो soldiers कहाँ march कर रहे हैं? तो answer मिल गया हमें forward. Okay, question किससे पूछा हमने? When type of question पूछा और हमें answer मिल गया forward. So forward is what? Forward is the adverbs of place. याद रखना है adverb of manner हम कब identify करेंगे? जब question हमारा how type of से question पूछेंगे तो वो हो जाएगा adverb of what? Adverb of manner. Yes, उसके बाद में जब हम question पूछेंगे when से, when से अगर हम question पूछते हैं और हमें answer मिलता है तो वो क्या हो जाएगा? Adverb of, yes, adverb of time. Very nice. Then जब हम question पूछेंगे where से, so जब where से question पूछेंगे तो answer जो हमें मिलेगा वो क्या होगा? Adverb of place. तो ये हो गए हमारा adverb topic. Okay, adverbs of manner, adverbs of time and adverbs of place. याद रखना है कितने टाइप होते हैं adverb के? तीन टाइप होते हैं. कौन से टाइप होते हैं? Adverbs of manner, adverbs of time, adverbs of place. Adverbs of manner is equal to how question. Adverbs of time is equal to when question. And adverbs of place is equal to where question. Okay, तो आपको क्या करना है? इसके एक शॉर्ट नोट बनाना है और आपके नोटबुक में लिख कर निकालना है. और इसके बाद में जो एक्सरसाइज है उसको आपको सॉल्व करना है. एक्सरसाइज नंबर 1, 2 and 3. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो लेक्चर. वी विल मीट वेरी सून. आई थिंक यू पीपल नाउ अंडरस्टूड एवरी टॉपिक. तो इस तरीके से हमारा ग्रामर टॉपिक भी कम्प्लीट हो चुका है. तो हमने ग्रामर टॉपिक में क्या क्या कंप्लीट किया है, लेट्स वी हैव टू रिकैप वंस अगेन. हमने क्या क्या कंप्लीट किया है? हमने कंप्लीट किया है नाउंस. यस, हमने नाउंस कंप्लीट कर दिया है. उसके बाद में और हमने क्या कंप्लीट किया है? वन एंड मेनी. यस, वन एंड मेनी टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर दिया है. उसके बाद में हमने क्या कंप्लीट किया है? जेंडर. यस, सिंगुलर मास्कुलिन फेमिनिन कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर. देन उसके बाद में हमने क्या कंप्लीट किया है? प्रोनाउंस कंप्लीट कर लिया है. यस, वी कंप्लीटेड प्रोनाउंस आल्सो. देन उसके बाद में हमने आर्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं. आर्टिकल्स अ एंड द ये कंप्लीट कर लिया है. उसके बाद में और हमने क्या कंप्लीट किया है? अभी हमने रिसेंटली वर्ब्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. वर्ब्स आर द 3 टाइप्स. यस, हेल्पिंग वर्ब, स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स. यस, उसके बाद में आज हमने एडवर्ब्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है. एडवर्ब्स 3 टाइप्स के होंगे, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. उसके बाद में हमने और क्या कंप्लीट किया है? पैराग्राफिंग कंप्लीट कर लिया है. यस, पैराग्राफिंग भी कंप्लीट कर लिया है. ओके, उसके बाद और क्या कंप्लीट किया है? नोटिस राइटिंग कंप्लीट कर ली है हमने. ओके, देन उसके बाद में हमने लेटर राइटिंग भी कंप्लीट कर ली है. यस, लेटर राइटिंग also कम्प्लीटेड. उसके बाद और क्या कम्प्लीट किया है? उसके बाद हमने रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कम्प्लीट किया है. अनसीन पैसेजेस कुछ हमने देखे हैं. यस, सो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट also टेकन into अकाउंट. रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 1 एंड 2,
ये हमने सब कंप्लीट कर दिया। ओके, तो अब आप फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए रेडी हो। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम रिवाइज करेंगे सारी चीज़ें, और उसके बाद में मैं आपको फिर से कुछ नाउन, वन एंड मेनी, जेंडर, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, उसके बाद में लेटर राइटिंग, पैराग्राफिंग, देन उसके बाद में हमने क्या देखा, नोटिस राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रेंशन, सबका मैं आपको रिकैप करवाऊंगी। और उसके बाद में कुछ मैं आपको क्वेश्चन शीट्स फॉरवर्ड करूंगी, आपको उसे इवनिंग तक मुझे सेंड करना है वापस, और उसके बाद में मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करूंगी। तो इस तरीके से हम रिविजन भी करेंगे। तो इस तरीके से हमने हमारा ग्रामर टॉपिक भी फिनिश कर लिया है। सो हमने ग्रामर भी कंप्लीट कर लिया है और लिटरेचर भी कंप्लीट किया है। तो अब आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो क्लास, और विदाउट कोई प्रेशर कि आपको एग्जाम देना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, और ये आपकी पूरी रिवीजन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डोंट टेक केयर अबाउट दैट, डोंट बॉदर अबाउट दैट, जस्ट बी हैप्पी, बी फ्रेश एंड गो टू फेस द एग्जाम। सो टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।